हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनुअल सेकेंडरी एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने सामुदायिक विकास की अवधारणा और शाब्दिक रूप से सामुदायिक विकास का अर्थ क्या है उसके बारे में अध्ययन किया था। किस विद्वानों ने जो इसकी अवधारणा दी थी या इसका सामुदायिक विकास का जो अर्थ बताया था वो हमने अध्ययन किया था। आज हम सामुदायिक विकास योजना जो है, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य क्या है वो पढ़ेंगे। तो सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जीवन, ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सब प्रकार से ग्रामीण जीवन का हर प्रकार से विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना, उनका मार्गदर्शन करना। इस रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम उद्देश्य इतने व्यापक है कि इनकी कोई निश्चित सूची बना सकना एक कठिन काम है। यानी इसके जो विषय सूची है बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इनके कई वैज्ञानिकों ने या कई विद्वानों ने इस प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनेक उद्देश्यों का उल्लेख किया है। यानी इसके कई उद्देश्य हैं। तो कैसे, प्रोफेसर ए आर देसाई ने इस योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न करना है। यानी उनके मनोवैज्ञानिक जो सोचने का तरीका है उसमें परिवर्तन करना, उत्पन्न करना है। ये उन्होंने, प्रोफेसर ए आर देसाई ने इस योजना का उद्देश्य बताया। साथ ही इसका उद्देश्य ग्रामीणों की नवीन आकांक्षाओं, परिणामों, प्रतिविधियों एवं विश्वासों को ध्यान में रखते हुए मानव शक्ति के विकास विशाल भंडार की देश के आर्थिक विकास में लगाना है। ये मतलब उन्होंने बताया था, प्रोफेसर ए आर देसाई ने लगभग उसी उद्देश्य की प्राथमिकता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिवेदन है सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम के बारे में प्रतिवेदन, तो उसकी एक प्रकार से उसका प्रगति देते हैं। प्रतिवेदन वाला प्रगति है उसकी। डंग हैमरशोल्ड ने स्पष्ट किया, यानी जो राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन में डंग हैमरशोल्ड विद्वान है, उन्होंने इसका विवरण किया कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए केवल भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और सफाई की सुविधा देना मात्र नहीं है। यानी उन्होंने ये बताया था कि ये जो चीज़ें हम देते हैं, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि, ये ही इसका उद्देश्य मेन नहीं है, बल्कि भौतिक साधनों के विकास से अधिक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है ग्रामीणों के दृष्टिकोण तथा विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करना है। उनके दृष्टिकोण में और उनके विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करना है। और ये सब जो है ना, हम अपने उनको अगर ये समझा दें कि भाई आप अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हो, तब गाँव का चहुंमुखी विकास या उसमें होना संभव हो सकता है। डॉक्टर श्यामाचरण जो है दुबे, इन्होंने सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को दो भागों में बांट के स्पष्ट किया है। यानी जो डॉक्टर श्यामाचरण दुबे हैं, उन्होंने इसको दो भागों में बांटा है। देश का कृषि उत्पादन, नंबर एक ये है कि देश का कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न करना, संचार की सुविधाओं में वृद्धि करना, संचार का मतलब है सूचनाओं को संप्रेषण करना, शिक्षा का प्रसार करना तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई की दशा में सुधार करना, एक इसका पहलू ये हो गया। दूसरा पहला है गाँव में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने के लिए सुव्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ करना। यानी सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने के लिए सुव्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ करना। सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो ही उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव आ सकता है। ये दो उन्होंने इसके भाग अलग अलग वर्णन किए। अब आप ये देखो कि जो भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय,
भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सामुदायिक विकास मंत्रालय है, मंत्रालय बना हुआ है जहाँ मंत्री बैठते हैं, योजना के 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। यानी ये जो सामुदायिक विकास योजना है इसके भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। 8 उद्देश्य कौन कौन से, ये 8 उद्देश्य आपको याद करने, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। यानी नंबर एक ये है कि ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उनका जो मानसिक सोचने की शक्ति है उसमें परिवर्तन लाना, ये एक उसका उद्देश्य है। नंबर दो है गांव में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास करने, नेता का चयन करना है, यानी गांव में उत्तरदायी एवं कुशल नेतृत्व का विकास करना, ऐसे आदमी तैयार करना जो इसका उत्तरदायित्व ले सकते हो, सामूहिक जो अपना ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसके बारे में, और उसका कुशल नेतृत्व का विकास करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाना, जो पूरे ग्रामीण जनता जो गांव में रहती है उनको आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता स्वयं पे जो आश्रित हो, स्वयं का निर्माण कर सके या अपने आप पे निर्भर हो, और प्रगतिशील बनाना, उनको प्रगतिशील बनाना यानी वो अपने हर तरह से प्रगति कर सकें। ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक और कृषि का आधुनिकीकरण करना, मतलब उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए एक और तो हम कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है उसका आधुनिकीकरण मॉडिफिकेशन करें, तथा दूसरे ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना, ग्रामीण में जो उद्योग हैं, कुटीर धंधे हैं, गाँवों के उद्योग हैं, उनको भी विकसित करना, ये मतलब चौथा इसका उद्देश्य है। पाँचवा, इन सुधारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों और परिवारों के समर्थन, यानी इन सुधारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं और परिवार है उनकी दशा में सुधार करना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना और जो परिवार रहते हैं उनकी दशा में सुधार करना, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, यानी युवक जो है वो राष्ट्र के भावी नागरिक माने जाते हैं, ये आप सभी जानते हो, बच्चे जो है देश का भविष्य है, युवा आज के युवा जो है वो कल के भावी नागरिक होंगे, तो उनका जो है समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ग्रामीण विकास के हितों को सुरक्षित रखना, ग्रामीण विकास के क्या हित हैं उनको भी सुरक्षित रखना, और ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, लास्ट में उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। इन प्रमुख उद्देश्यों के अतिरिक्त ये जो प्रमुख उद्देश्य 8 बताए थे जो भारत सरकार के जो सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा ये 8 उद्देश्य बताए गए थे, इनके अलावा भी मतलब कुछ उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो उद्देश्य है उनका उल्लेख किया गया वो कौन कौन से हैं वो भी आपको याद करने हैं, कि ग्रामीण जनता का आत्मविश्वास तो उत्तरदायित्व बढ़ाकर, आत्मविश्वास और उनका उत्तरदायित्व बढ़ाकर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, नंबर एक। नंबर दो, ग्रामीणों को श्रेष्ठ कर सामाजिक एवं आर्थिक जीवन प्रदान करना, जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छा सामाजिक एवं आर्थिक जीवन उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सामाजिक का मतलब है सामाजिक स्तर सुधारना, उनका रहन सहन का, खान पान का, उनके बोलने का ढंग, शिक्षा देना उनको। उसके बाद है ग्रामीण युवकों में संकीर्ण दायरे के बाहर निकलकर सोचने और कार्य करने की शक्ति विकसित करना, गांव में आप जानते हो कि लोग जो है पशुपालक है या किसान है, उनके विचार जो संकीर्ण विचार है यानी वो बाहर नहीं निकलते हैं, खुल के कोई धंधा नहीं करते हैं, तो उनको उस संकीर्ण दायरे से बाहर निकालना है, प्लस उनको मिलकर सोचने और कार्य करने की उनकी जो शक्ति है उसको विकसित करना, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामूहिक विकास के कुछ उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य आपको 8 उद्देश्य जो सामूहिक विकास मंत्रालय जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बताए थे, उसके अलावा भी 3-4 है, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करने हैं। ये जो इतने उद्देश्य आपको बताए थे, इन उद्देश्यों के लिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उस सबसे पहले तो सिर्फ भारत सरकार का मंत्रालय जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करता था, लेकिन आजकल जो नए हिसाब से
नए परिवेश में इसके मंत्रालय जो है वो हर स्तर पे बना दिए गए हैं। पहले सिर्फ सेंटर में होता था, आजकल सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी है, गांव में भी है, आपके ब्लॉक लेवल पे भी, यानी पांच स्तर पर इसके जो है कमेटियां बना दी गई है। तो ये कमेटियां जो है हम आप एक एक को देखेंगे। और इसको क्या है, पहले ये कमेटियाँ की मान्यता ये थी कि नौकरशाहों के आधार पर चलता था ये कार्यक्रम, लेकिन अब नौकरशाहों के आधार पर नहीं चलता है, अब इसको मंत्रिमंडल के लेवल पे जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये काम देखा जाता है। ये इसके इस काम के लिए ग्रामीणों का सहयोग होना आवश्यक है। और ये कौन कौन से स्टेज पर काम चलता है ये हम देखते हैं, योजना का संगठन इसको बोलते हैं, योजना का संगठन। तो इसको नवनिर्मित जो मंत्रालय अभी जो नया मंत्रालय बना है उसका नाम है सामाजिक सामुदायिक विकास मंत्रालय। और ये जो है भारत सरकार में कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। ये किसके अधीन है, सेंटर में ये कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इस दृष्टिकोण में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठन को प्रत्येक स्तर पर अलग अलग समझना आवश्यक है। जो निम्न प्रकार कैसे समझोगे आप इसको, केंद्र स्तर पे यानी सेंट्रल लेवल पे जो केंद्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो केंद्र सरकार है उसके स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ये जो सेंटर में ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है के केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस से संबंध रखता है, तो वो आपको बताना है कि ये कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। इस कार्यक्रम की प्रगति और नीति निर्धारण के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है सेंटर में, जिसके अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री है। उसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। यानी आपको अगर पूछा जाए कि केंद्रीय स्तर पर जो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो इनके कार्यक्रम प्रगति और नीति निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाएगी सलाहकार समिति, उसके प्रधान कौन है, तो उसके प्रधान जो है वो स्वयं प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष उसके कृषि मंत्री। और योजना आयोग के सदस्य जो है वो इस समिति के सदस्य हैं, मतलब कृषि मंत्री जो भारत सरकार के कृषि मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो, और योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सारे इसके समिति के सदस्य हैं। और इसके अलावा एक अनौपचारिक रूप से गठित एक परामर्शदात्री समिति भी केंद्र स्तर पर कार्य करती है, अनौपचारिक रूप से होती है, उस औपचारिक पर नहीं होता, वो अनौपचारिक रूप से गठित होती है, जिसमें सदस्य लोकसभा के कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी उसके सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, मतलब अनौपचारिक में मनोनीत करते हैं, औपचारिक में तो उनका इलेक्शन होता है, तो वो लोकसभा के कुछ सदस्य होते हैं जो उनको मनोनीत करते हैं। ये सलाहकार समिति योजना की नीति एवं प्रगति के विषय में इस औपचारिक समिति से परामर्श करती रहती है, यानी जो भारत सरकार की समिति बनी हुई है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, जिसका नाम है ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित है, वो कमेटी जो है वो अनौपचारिक रूप से जो लोकसभा के कुछ सदस्य मनोनीत उनसे वो सलाह मशवरा भी करते हैं। इसके बाद में सेंटर की बात मतलब राज्य स्तर तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का वास्तविक दायित्व जो है, एक्चुअल में जो दायित्व है वो है राज्य सरकार का, राज्य सरकारों का ये दायित्व है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष जो है उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, और अन्य विकास विभागों के मंत्री जो इसके सदस्य होते हैं। इस समिति का सचिव जो है वो एक विकास आयुक्त होता है। ये मतलब क्या है, गवर्नमेंट जिसमें IAS वगैरह होते हैं वो इसका सचिव, इस समिति का सचिव एक विकास आयुक्त होता है जो ग्रामीण विकास संबंधित सभी विभागों के कार्यक्रम तथा नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। सन 1969 के पश्चात से सामुदायिक विकास योजना के लिए वित्तीय साधनों का प्रबंध जो है, इसके लिए वित्तीय साधनों का प्रबंध राज्य के अधीन हो जाने के कारण विकास आयुक्त का कार्य पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण
हो गया है, यानी जब इसका 1969 के पश्चात में ये योजना जो है इसके विधीन वित्तीय साधनों का जो राज्य के अधीन हो गए, वित्तीय साधनों का प्रबंध जो है वो राज्य सरकारों के अधीन हो जाने के कारण जो विकास आयुक्त का पद है उसका महत्व पहले से भी ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। विकास आयुक्त जो होता है, कमिश्नर जो होता है, डेवलपमेंट कमिश्नर जिसे बोलते हैं, उसको परामर्श देने के लिए राज्यों में विधानसभा तथा विधान परिषद के कुछ मनोनीत सदस्यों की एक अनौपचारिक सलाहकार समिति होती है, यानी विधानसभा के कुछ सदस्य होते हैं उनको इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको मनोनीत कर लेते हैं, और विधान परिषद जो है उसके कुछ सदस्यों को इसमें मनोनीत करते हैं, जो इसको विकास आयुक्त को परामर्श देते हैं, जो विकास आयुक्त होता है उसको ये लोग जो है सलाह देते हैं कि भाई ये काम ऐसे करना है, इस एरिया में करना है, यहाँ इसकी ज़्यादा आवश्यकता है वगैरह। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना के समन्वय और क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व है जिला परिषद का है। जिला परिषद आपने देखा ग्रामीण विकास विभाग जो है, जिला ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद बोलते हैं जिसको, जिला परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनमें खंड पंचायत समिति के सभी अध्यक्ष तथा उस जिले के लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, यानी जो जिला परिषद होता है उसका जो प्रमुख है वो जिला प्रमुख बोला जाता है उसको, और जो पंचायत समितियों के प्रधान है या जो जिला परिषद के डायरेक्टर चुनते हैं वो उसके प्रतिनिधि वाले उसके सदस्य होते हैं, और लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य उस जिले से संबंधित वो भी उसके सदस्य सम्मिलित हैं इसमें। इसके पश्चात भी जिला परिषद की नीतियों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित करने का कार्य जिला नियोजन समिति का है। एक जिला नियोजन समिति बनी है जिसका जो अध्यक्ष है वो जिलाधीश होते हैं, यानी जिला कलेक्टर जो उसके अध्यक्ष है। कार्यक्रम की प्रगति के लिए, यानी इस कार्यक्रम की प्रगति के लिए जिलाधीश अथवा उसके स्थान पर उप विकास आयुक्त की उत्तरदायित्व होता है। उप विकास आयुक्त का मतलब होता है ये CO, जिला परिषद CO जिला परिषद को उपायुक्त बोलते हैं। फिर आता है खंड स्तर पर, यानी जो सब डिवीजन लेवल है जहाँ पे SDM बैठता है। आरंभ में लगभग 300 गांव जब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, सामूहिक विकास कार्यक्रम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट का सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, वो जब शुरू हुआ था आरंभ में तो 300 गांव और 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर एक विकास खंड स्थापित था। उस टाइम क्या था, 300 गांव और 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर एक विकास खंड स्थापित किया जाता था। लेकिन अब एक विकास खंड की स्थापना जो अलग टाइप से है, तो आपको ये पूछा जा सकता है स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ तब खंड की परिभाषा क्या थी, तो वो परिभाषा थी 300 गांव या 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर एक विकास खंड होता था। अब एक विकास खंड की स्थापना 100 से लेकर 120 गांव, यानी उसकी अवधारणा बदल गई है। अब 100 से 120 गांव तथा 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या को लेकर की जाती है। यानी आप मान लो कि जो एक खंड है, जैसे मान लो आपका खंड राइसनगर है, पदमपुर है, गंगानगर है, साधु शहर है, तो इस खंड में 100 से 120 गांव अथवा 1,20,000 के लगभग जनसंख्या है, उसको लेकर इसकी स्थापना की गई। विकास खंड के प्रशासन के लिए प्रत्येक खंड में एक विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है, BDO नियुक्त किया जाता है। इसकी सहायता लिए कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक शिक्षा, महिला, शिशु कल्याण आदि, इसमें 8 प्रकार के विभाग जो उनकी सहायता करते हैं और उनके प्रसार अधिकारी नियुक्त होते हैं। खंड स्तर पर नीतियों की निर्धारित योजना के संचालन का दायित्व क्षेत्र पंचायत का होता है, यानी उस पंचायत का जो क्षेत्र है उसकी पंचायत का जो है ये दायित्व होता है। सरपंच, ग्राम पंचायत और अध्यक्ष स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं। इनका जो सरपंच, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और स्त्री, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनमें से एक एक सदस्य इसमें ले लेते हैं। प्रत्येक खंड में विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए 5-5 वर्ष के 2 मुख्य चरण निर्धारित किए जाते हैं, यानी 5-5 साल के चरण होते हैं इसमें। एक 5 साल का चरण पूरा हो गया, फिर दूसरा 5 साल का चरण होता है जिसमें ये विकास कार्य करवाए जाते हैं। फिर लास्ट में आता है ग्राम स्तर, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे कौन होता है, गांव स्तर पर यद्यपि योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायत पर होता है, लेकिन
इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ग्राम सेवक की होती है, क्योंकि ग्राम सेवक पढ़ा लिखा होता है, उसको योजना के बारे में जानकारी होती है। तो ग्राम सेवक को सामुदायिक विकास योजना के सभी कार्यक्रमों की जानकारी होती है। वह किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन सरकारी अधिकारियों तथा ग्रामीण समुदाय के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। यानी वो ज़्यादा जो है विशेषज्ञ नहीं होता है इसका, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र के और जो अधिकारियों के बीच में, सरकारी अधिकारियों के बीच में कड़ी का काम करता है। ये व्यक्ति कार्यक्रम में सभी नवाचारों का ग्रामीण समुदाय में प्रचार करता है। जितने भी नवाचार होते हैं, नई नई स्कीम बनती है, उसका प्रचार प्रसार करता है, ग्रामीणों की प्रतिक्रियाओं से अधिकारियों को अवगत कराता है, तथा विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित बनाए रखने में वो प्रयत्न करता है। ग्राम सेवक के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित दाइयाँ, ग्राम सेविकाएँ, महिला तथा शिशु कल्याण के लिए कार्य करती है। ये मतलब कुछ और फंक्शनरीज होती है जो भी इसके साथ साथ काम करते हैं। अब इससे स्पष्ट है कि ये जो सामुदायिक विकास योजना का संपूर्ण संगठन है वो उपरोक्त 500 स्तरों में विभाजित है। इन 5 स्तरीय संगठन की संपूर्ण शक्ति नियंत्रण का प्रवाह श्रेणीबद्ध नौकरशाही संगठन के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ नौकरशाही जो है, जो अधिकारी है, वो इसका नियंत्रण करता है। इसके पश्चात भी विभिन्न समितियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नौकरशाही व्यवस्था के प्रभावों को कम करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यानी नौकरशाही के प्रभाव को कम किया जा रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों को और उनको ज़्यादा पावर दिए जा रहे हैं। संभवतः इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास को स्वायत्त शासी संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। आज जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का इस योजना के क्रियान्वयन में विशेष महत्व है। ये कार्यक्रम क्योंकि जनता के लिए था, जनता के द्वारा, इसलिए नौकरशाही के दोषों से इसे बचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन सहयोग को सर्वोच्च महत्व दिया गया। तो आप ये समझ सकते हो कि 5 स्तर पर इसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। इनको आपको ये कम से कम 5 स्तर है, इनके तो नाम याद करने, और इनका ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई किन 5 खंडों में इसको विभक्त किया जाता है। तो सेंटर में, केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर खंड स्तर पर, और फिर पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम स्तर पर, और इनमें इनका वर्णन भी पूछ सकते हैं, एक का वर्णन करो। तो आज के लिए बस काफ़ी है, धन्यवाद।